प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, मेरे दिल सुना कोई कहानी। मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आँखों में सिर्फ पानी है। कभी बेकसी ने मारा ओ, कभी बेकसी ने मारा ओ, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा ओ, कभी बेबसी ने मारा। मिला मौत से नहीं जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था। जीने में जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था। जीने में अब के शायद हम भी रोए, सावन के महीने में जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा। ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे पेज में, कुणाल सिंह कुशवाहा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे प्रोफेशनल वे में आप अपने गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं सैमुअल और स्टार मेकर में। कैसे आप एक प्रोफेशनल वे में एज अ प्रोफेशनल सिंगर आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ही थोड़े बहुत भी अच्छे सिंगर हैं और आपको आपके लोगों को अच्छे कमेंट्स मिलते हैं सैमुअल में स्टार मेकर में, तो आपका फर्स्ट बनता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को और अच्छा करें। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में जिन्होंने मुझे बहुत बार पिंग करके बोला कि आप सर आप इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए स्टार मेकर या सैमुअल पे, कि कैसे हम लोग प्रोफेशनल वे में सिंगिंग कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो है आज। और सबसे पहले अगर आपको मेरे पिछले वीडियो अच्छे लगे हों या फिर मेरा चैनल में मेरी आवाज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए जितना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इस वीडियो के पहले मैं अपने कुछ सैमुअल की रिकॉर्डिंग कुछ मैं पोस्ट करूँगा ताकि आपको इसकी क्वालिटी पता चल जाए कि सैमुअल में जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इन जो इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे ये यंत्र हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उसमें और कैसे क्या होगा। तो उसके लिए मैं अपनी कुछ वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है सैमुअल पे पहले इन माइक के द्वारा इन सब के द्वारा, तो वो मैं डालूँगा ताकि आपको क्वालिटी पता चल जाए कि कैसे कैसी क्वालिटी आती है जब रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने देखा है कि लोग कुछ भी डाल देते हैं उसमें सैमुअल में या स्टार मेकर में,
अब और इतने अच्छे अच्छे सिंगर को देखा है मैंने बहुत ही खराब गाते हुए, और वो है पर वो वाकई में अच्छे सिंगर हैं क्योंकि मैंने उनको सुना है, बाकी और गाने सुने हैं मैंने। पर क्या है कि उनका वो जस्ट क्या कहते हैं कि सिंपली जस्ट रिकॉर्ड करते हैं अपना गाना ईयरफोन के थ्रू, उनके पास ईयरफोन होगा जिससे हम लोग बात करते हैं ईयरफोन से किसी से, उसी से वो लोग गाना गाते हैं। तो क्या है ना, तो वो ईयरफोन इस चीज के लिए नहीं बना कि आप गाना रिकॉर्ड कर सको उसमें, और आप थोड़े से भी अच्छे सिंगर हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ तो कि क्योंकि मैं एक खुद सिंगर हूँ तो मैंने ये सब देखा हुआ है, क्योंकि मैं भी पहले मैंने मेरी भी स्टार्टिंग उसी से हुई थी कि मैं भी ईयरफोन से रिकॉर्ड करता था, फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, तो फिर मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए, मेरे को बताना चाहिए आपको, तो इसी के लिए वीडियो है। तो कैसे सेम्यूल पे और स्टार मेकर पे हम लोग प्रोफेशनल वे में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इस माइक की जरूरत पड़ेगी, आपको कंडेंसर माइक बोलते हैं इसको, ये कंडेंसर माइक है पावर PRK BM800, ठीक है, कंडेंसर माइक। इसके साथ ये इसका स्टैंड आता है, देखिए स्टैंड चाहिए होगा आपको ताकि आप सुकून से रिलैक्स होके एक कहीं जगह एक जगह बैठ के गाना गा सकते हैं। और इसके साथ ही इस माइक के साथ ही एक केबल आती है, और ये मैं जितने वीडियो होते हैं मैं ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव बताऊंगा मैं आपको, मैं सिंपल सस्ता जो जुगाड़ होता है मैं उसमें बताऊंगा ताकि आप अच्छे से रिकॉर्ड कर सके अपने गाने, और आपको मैं लोग आपकी आपकी तारीफ करें आपके गाने की सिंगिंग की। तो तीसरी चीज़ है ये केबल, इसमें इस केबल को बोलते हैं स्प्लिटर केबल, ठीक है, स्प्लिटर केबल। इसमें क्या होता है, ये जाएगा आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है, और ये जो है इसमें देखिए एक सिंबल बना हुआ है माइक का और एक बना है हेडफोन का, आप देख सकते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिटर केबल। और एक आपको जरूरत पड़ेगी हेडफोन की, हेडफोन यूज कर सकते हो या फिर आप ईयरफोन भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास हेडफोन नहीं है तो, ठीक है। ये सारे लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे लिंक इसके, और इसमें एक कॉम्बो भी आता है जो आप डायरेक्ट कॉम्बो खरीद सकते हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग ये केबल लेते हैं, सॉरी मेरा ये वीडियो बहुत लोगों ने बोला कि सर आप बहुत वीडियो आपके बहुत लंबे होते हैं, पर मैं क्या करूं, मेरा ये अभी मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है ये बनाना वीडियो, तो मेरे को धीरे धीरे बोलने की आदत है ताकि मेरे को कोई चीज मिस ना हो जाए। तो ये केबल इसमें जाएगा, ठीक है, सिंपल है, और इसके साथ ही ये केबल आती है, और ये केबल है ऑक्स, और एक साइड ये होगा XLR, दूसरी साइड होगा 3.5 का ऑक्स केबल, ठीक है, ये केबल ये जाएगा आपके स्प्लिटर केबल में, बताता हूं मैं धीरे धीरे आपको, ठीक है। तो ये है कंडेंसर माइक, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि कंडेंसर माइक में फैंटम पावर की जरूरत पड़ती है, फैंटम पावर कुछ नहीं है, कंडेंसर माइक को कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है जिससे फैंटम पावर उसको सपोर्ट करता है। पर मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं बिना फैंटम पावर के सम्यूल में इस माइक के साथ, तो मुझे लगता है फैंटम की इसको जरूरत, फैंटम की जो पावर होता है उसकी जरूरत नहीं है इस माइक को, ठीक है। इसके साथ ये स्टैंड आता है, ये स्टैंड कैसे लगाते हैं मैं वो बताता हूँ आपको, ये जैसे आपको यहाँ पुल करना है और ये माइक डालना है इसमें, डन, ये इसमें चला जाएगा माइक का जो वायर है, ठीक है। सबसे जो मेन चीज है वो है स्प्लिटर केबल, ये है, ये जाएगा आपके मोबाइल में, और ये जो माइक का जो ऑक्स केबल है, माइक का जो दूसरा छोर है वो जाएगा आपके माइक के अंदर, ये माइक का ऑप्शन है, माइक का ये माइक का आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है, ये इसमें जाएगा, और ये दूसरा है ये जाएगा आपके हेडफोन में, ये गया हेडफोन, ठीक है। और ये आपको मोबाइल में डालना है, मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं आपको कुछ डेमो करके दिखाता हूँ कि कैसे जाएगा, फिर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ।
और खास बात, मेरे पास ये टेबल स्टैंड है माइक को होल्ड करने के लिए। अगर आपके पास ये टेबल स्टैंड होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपको आई थिंक दो टेबल स्टैंड की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता, मैं लिंक डाल दूंगा इसका। इसको टेबल स्टैंड बोलते हैं। आप इसको यहाँ अटैच कर सकते हैं किसी भी टेबल पे, किसी भी सरफेस एरिया पे, टेबल पे, या फिर कोई सी भी ऐसी चौड़ी सी चीज़ हो, पट्टी, जिस पे आप इसको कर सकते हैं। और एक और चाहिए होगा, एक एक माइक को होल्ड करने के लिए और एक मोबाइल को होल्ड करने के लिए। तो दो ऐसे आपको चाहिए होंगे। तो देखिए, मैंने ये अपना जो माइक है, कंडेंसर माइक, मैंने ये अटैच कर दिया है अपने टेबल स्टैंड पे। और मैं एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देता हूँ। तो इसका जो वायर था, दूसरा छोर है, वो ये है जो मैंने डाला हुआ है स्प्लिटर केबल में, माइक के ऑप्शन में, ठीक है। और जो दूसरा इसका इसका जो स्प्लिटर केबल का दूसरा चीज़ है, वो है इसमें बना हेडफोन। तो इसमें मैंने अपना हेडफोन डाल दिया है यार, ठीक है। तो अब इसका जो केबल बचा, ये हम डालेंगे मोबाइल के अंदर, मोबाइल का जो स्लॉट है, ठीक है। तो ये इसमें तीन चीज़ होती है, इसमें एक माइक का होता है, एक इसमें सुनने का होता है। आपको स्प्लिटर केबल यही मिलेगा, तो इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। चलिए, मैं आपको ये मोबाइल में डाल के फिर मैं सम्यूल में जाके मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो अच्छे से, प्रोफेशनल वे में। चलिए। हेलो। तो देखिए, मैंने अभी जस्ट अभी मैं जो बोल रहा हूँ अपने माइक के थ्रू बोल रहा हूँ, तो देखिए इसमें फैंटम पावर की ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा लगाने की, तो ऐसी आवाज़ आती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम लोग सम्यूल में जाएंगे। ये मैं गया उसके सम्यूल के अंदर, और ये मेरा प्रोफाइल है। और आप कोई भी गाना गाइए, जैसे कोई भी गाना मैं आपको गा के सुनाता हूँ। चलिए मैं खैरियत गा के सुनाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, मैं अभी इस माइक से बोल रहा हूँ। दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। तो ये था, ये रिकॉर्डिंग थी। चलिए मैं ये इसको मैं अपलोड करता हूँ, उसके साथ मर्ज कर दूंगा। तो बताइए क्या। तो वो आपने देखा ही कि कैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही है उसमें, आपका जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है सम्यूल में। तो सेम वे में आप स्टार मेकर में कर सकते हैं। बस आपको बस कुछ करना नहीं है, बस ये माइक खरीदना है, और आपके पास हेडफोन तो होगा, या हेडफोन नहीं तो ईयरफोन, ये स्प्लिटर केबल खरीदनी है, और आपके पास ये ऐसे ये माइक स्टैंड होना चाहिए, या तो नॉर्मल माइक स्टैंड हो, या फिर ये टेबल माइक स्टैंड हो, दो होने चाहिए। एक एक आप ताकि एक आप मोबाइल सामने रख सको, एक और एक माइक के सामने, तो माइक के सामने आप हो, तो दो चाहिए होंगे। बस यही चीज़ चाहिए आपको बस, और आप स्टार बन जाओगे। अब अगर मैं, क्योंकि मैं एक खुद सिंगर हूँ, तो मैं इसके हवाले बोल रहा हूँ, वरना मुझे वरना लोग, मैं देखा है कि जो सिंगर भी नहीं है वो भी इसके बारे में बताते हैं, पर जब क्या फ़ायदा जब आप खुद ही प्रैक्टिकल करके नहीं बता पाओ कि कैसा रिकॉर्ड आएगा, कैसा साउंड आएगा, तो फिर आपका बेकार है। तो इसलिए मैं सिंगर हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर जो वीडियो होते हैं वो म्यूजिक से रिलेटेड ही होते हैं। और मैं आगे भी ऐसे ही मैंने जो पिछले जो दो वीडियो बनाए थे, और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपको बहुत सारा प्यार मिला, तो ऐसे ही इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूँ। और बस, और कोई भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, या तो आप इस कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं आप मुझे, मुझसे जिस जितनी हेल्प होगी मैं आपकी करूँगा इस सम्यूल में। और सम्यूल में कैसे कनेक्ट करना है, या कनेक्शन पावर में कोई दिक्कत होगी, या कुछ भी होगा, आप कैसे भी आप कमेंट अपना, यू कैन लीव अ कमेंट इन योर इन कमेंट बॉक्स। चलिए, थैंक यू सो मच, इतने काफ़ी आज के लिए।